अगर मैं यहाँ आज हूं ना तो तुम्हारी वजह से। तुमने ही मुझे ये आइडिया दिया था, आइडिया क्या बल्कि तुमने ही ऑफर किया था ना कि तुम आर्मी से डिवोर्स लोगी। मेरी शादी आर्मी से करवाओगे, मुझे इंसाफ दिलाओगी। तो दिलाओ इंसाफ। अब तुम्हारी कई बात को सच करने का वक्त आ गया है, तुम्हें साइन करने पड़ेंगे। पूर्वी, मैं समझती हूं, तुमने मुझे कहा था कि तुम भी आरवी से अलग होना चाहती हो, याद है ना? तुम मेरे घर आई थी, तुमने मुझे कहा था कि तुम आरवी से अलग होना चाहती हो। तो मैं तुम पर विश्वास करके यहां पर आई हूं, तुम पीछे नहीं हट सकती। ना तुम, ना आरवी, ना आरवी का परिवार, कोई पीछे नहीं हट सकता। उस दिन पूरी दुनिया के सामने आरवी का रोका हुआ था मेरे साथ और पूरे परिवार ने करवाया था। तो अब तुम्हारे लिए और इस पूरे परिवार के लिए यही सही होगा कि तुम पेपर्स पे साइन कर दो। एक मिनट, मुझे कुछ कहना है तुमसे। उस रात जब हम पार्टी में मिले थे और जब तुमने मुझ पर इल्जाम लगाया कि मैंने तुम्हारे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है, उसके बाद एक बार भी मैंने तुमसे बात नहीं की। मुझे बात करनी है तुमसे। फाइन, बोलो क्या बोलना है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी शादी होने वाली है आर्य से, लेकिन मैं बस यही कहूंगी कि मुझे भी डर लग रहा है। शादी के नाम से मुझे भी डर लग रहा है और मेरी जगह कोई भी होता उसे डर लगता। जो तुमने मेरे साथ किया उसके बाद मेरे लिए नॉर्मल होना मुश्किल है, पर मैं तुम पे विश्वास कर रही हूं। मुझे पता है तुम अच्छे लड़के हो, पर ऐसे कौन?